हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरल थेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल में हम बात करते हैं ब्यूटी से रिलेटेड, स्किन, हेयर, हेल्थ, मेडिटेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है, ये ऑन डिमांड वीडियो है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे वीडियोस के नीचे कि सर, विंटर्स स्टार्ट हो गए हैं, विंटर्स में किस तरह से अपनी स्किन की केयर की जाए, प्लीज इस पर वीडियो बनाएं। तो आज का वीडियो उन्हीं कमेंट्स पर डेडिकेटेड है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गुलाबी गुलाबी ठंडक स्टार्ट हो चुकी है हिंदुस्तान के हर शहर में, हर गांव में, और हम लोग देख रहे हैं कि उस ठंड का असर हमारे दिनचर्या पर तो आता ही है। लेट उठना, जल्दी सो जाना, गरम गरम कुछ खाने की चीजें खाना, पकौड़े खाना, गाजर का हलवा बनना, मूंग की दाल का हलवा बनना, एवरीथिंग इज नॉर्मल इन इंडियन फैमिलीज। लेकिन कहीं ना कहीं उसका असर हमारी स्किन पर भी आता है। हमारी स्किन ड्राई होने लगती है, हमारी स्किन डिहाइड्रेटेड होने लगती है और हमारी स्किन पर अनचाहे रिंकल्स जैसी फॉर्मेशन दिखाई देने लगती है, जिससे हमारी एज ज्यादा दिखाई देने लगती है। हमारी एक्चुअल एज कुछ भी हो, लेकिन उससे ज्यादा एज दिखना किसी को भी पसंद नहीं है। हर व्यक्ति अपनी एज से छोटा दिखना चाहता है। तो इन सर्दियों क्या किया जाए, इन सर्दियों में किस तरह से अपनी स्किन को मेंटेन रखा जाए, आज इसी के बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो में मैं देने वाला हूं आपको 5 टिप्स। ये 5 टिप्स आपको इन सर्दियों में अपनी स्किन को मेंटेन करने में आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टिप है फ्रेंड्स, वो है कि आपको इन विंटर्स में जब आप शावर लेते हो, तो शावर लेते समय बहुत ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत ज्यादा गर्म पानी अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी स्किन की जो ऊपर वाली लेयर है, जिसे हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं, इस एपिडर्मिस लेयर से वाटर जो रिटेंशन है, मतलब जो नेचुरल जो बॉडी के पानी को बांध के रखने की जो कैपेसिटी है, वो ज्यादा गर्म पानी यूज करने की वजह से खत्म हो जाती है। और जैसे ही वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, हमारी स्किन ड्राई, डिहाइड्रेटेड और बहुत ज्यादा डल दिखाई देना शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें कि अगर आपको बहुत ज्यादा ठंडे पानी से नहाने की आदत नहीं है, तो आप एटलीस्ट गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें, एकदम गर्म पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। दूसरा टिप दोस्तों, ध्यान रखें, जब भी आप विंटर्स में बाहर जा रहे हैं, तो प्रॉपर सनस्क्रीन लगा करके जाएं। बिकॉज बहुत सारे लोगों ने ये मिथ पाल के रखा है कि गर्मियों में तो हमें सनस्क्रीन की जरूरत होती है, लेकिन सर्दियों में हमें सनस्क्रीन की जरूरत नहीं होती। ऐसा नहीं है दोस्तों, सर्दियों में भी हमें उतनी ही सनस्क्रीन की जरूरत होती है जितनी की गर्मियों में पड़ती है। तो ये बहुत जरूरी है कि जब आप सन के एक्सपोजर में जा रहे हैं, चाहे आप ऑफिस जाएं, चाहे आप स्कूल जाएं, या अपने कहीं पर भी किसी भी काम से निकलें, शॉपिंग पर निकलें, तो सनस्क्रीन जरूर लगा करके जाएं। सनस्क्रीन क्या होता है, सनस्क्रीन कैसे काम करता है, कौन सा सनस्क्रीन चूज करना चाहिए, क्या सनस्क्रीन आपके लिए परफेक्ट होगा, अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं, तो मैं मेरी टीम को बोलूंगा कि डिस्क्रिप्शन में वो आपको सनस्क्रीन के जो हमारे सीरीज है, नॉलेज सीरीज है, उसके सभी के सभी लिंक्स डाल देंगे। और अगर आप ऊपर आई कार्ड्स पर अगर क्लिक करेंगे, तो भी सनस्क्रीन के बारे में इंफॉर्मेशन देख पाएंगे। नंबर 3, जब भी आप नहा करके निकल रहे हैं, तो अपनी बॉडी पर जरूर से बॉडी लोशन या मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। जब आप सनस्क्रीन जब लगा रहे हैं, वो बाद की बात है, लेकिन ये सबसे पहले की मैं बात कर रहा हूं। नहाने के तुरंत बाद में आपकी बॉडी को एकदम से आपको ड्राई नहीं करना है, हल्का सा उसमें मॉइस्चर रहना चाहिए उस पानी के नमी के साथ में, फिर उसके ऊपर आपको बॉडी लोशन या मॉइस्चराइजर लगा लेना है। जैसे ही आप नमी वाली स्किन के ऊपर मॉइस्चराइजर और बॉडी लोशन लगा देते हो, जो वो नमी है, वो जो पानी है, वो अंदर स्टोर हो जाता है, वो अंदर रह जाता है। जितना ये वाटर अंदर रहेगा, जितना आप रेगुलर ये प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा अच्छे से आप अपनी विंटर्स को निकाल पाओगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों की कंप्लेन होती है कि हम लोग बहुत कुछ यूज करते हैं विंटर्स में, बहुत अच्छे बॉडी लोशंस लगाते हैं, बहुत अच्छे मॉइस्चराइजर्स लगाते हैं, लेकिन कुछ ही घंटों बाद हमारी स्किन वापस से ड्राई हो जाती है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप स्किन को एकदम ड्राई करके उसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगा रहे हो, राइट? तो वो वॉश ऑफ हो रहा है। अंदर वाटर का जो रिटेंशन होना चाहिए, पानी को जो रोकने के लिए जो हमें इफ काम करना है, वो नहीं हो पाता है। नंबर 4 जो टिप है दोस्तों, वो है अरोमा थेरेपी से।
अगर आपको लगता है आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई डिहाइड्रेटेड है, तो उस कंडीशन में अरोमा थेरेपी का आपको सैंडलवुड ऑयल मिलता है, राइट? हमेशा स्किन अफेयर्स के ऑयल्स में प्रमोट करूंगा। उसका कारण है क्योंकि मैं पिछले कई सालों से स्किन अफेयर्स को यूज कर रहा हूं एंड आई एम मच कॉन्फिडेंट कि इनकी जो क्वालिटी है वो किसी दूसरे ब्रांड की नहीं है। तो सैंडलवुड ऑयल आप यूज करें। आपको क्या करना है, आपका जो भी रूटीन बॉडी लोशन है या रूटीन जो मॉइस्चराइजर है उसके अंदर आप सैंडलवुड ऑयल डाल लें। अब कैसे डालना है, कितना डालना है, तो अगर आप 100 ग्राम्स आपका बॉडी लोशन लेते हो या 100 ग्राम आपका मॉइस्चराइजर लेते हो, उसमें आपको लगभग 5 ml, मैं वापस बोल रहा हूं, 100 ग्राम बॉडी लोशन में या 100 ग्राम मॉइस्चराइजर में आपको 5 ml सैंडलवुड ऑयल आपको मिला देना है और ये अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और फिर इसको डेली यूज कीजिएगा। तो सैंडलवुड ऑयल की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये आपकी स्किन से वाटर को एवेपोरेट नहीं होने देता, बल्कि आपकी स्किन का अंदर जो वाटर लेवल है उसको मेंटेन करके रखता है, जिसकी वजह से आपके चेहरे पर ड्राइनेस नहीं आती, आपके हाथों पर ड्राइनेस नहीं आती। क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है कि चेहरे पर तो हम बहुत ध्यान रखते हैं लेकिन उसका विंटर्स का असर हमारे हाथों पर दिखता है, हाथों में रिंकल्स दिखाई देने लगते हैं, हाथों में हमारी की ड्राइनेस आने लग जाती है। तो ये था चौथा टिप। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट टिप है मीजो सॉल्यूशन। दोस्तों मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो मॉलिक्यूल्स जो इजीली हमारी स्किन में पेनेट्रेट हो जाते हैं उस तरह के प्रोडक्ट्स बना लिए हैं। तो एक प्रोडक्ट जो आपको अवेलेबल होता है, मैं वापस स्किन अफेयर्स ब्रांड में आ रहा हूं, आप देख सकते हैं ये ब्रांड है स्किन अफेयर्स और इसका आपको एक हाइड्रेटिंग मीजो सॉल्यूशन मिलता है। आई गेस आप देख पा रहे होंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में भी बच्चों को बोलूंगा वो डाल देंगे। सो स्किन अफेयर्स का जो हाइड्रेटिंग मीजो सॉल्यूशन है उसके 5 to 8 drops ही बहुत होते हैं। तो आप 5 से 8 drop ले लेकर के पूरे चेहरे पर लगा लीजिए, उसके ऊपर आप अपना सनस्क्रीन लगाइए। आप देखोगे कि आपकी स्किन के लिए जो ड्राइनेस एक बड़ी तकलीफ हो जाती थी, हाइड्रेटिंग मीजो सॉल्यूशन के साथ में वो सर्दियां आप बहुत इजीली निकाल पाओगे और आपकी स्किन में जो सर्दियों की वजह से डिहाइड्रेशन, रिंकल्स, फाइन लाइंस, ओपन पोर्स, डलनेस जो दिखाई देती थी वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें और अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस देख पाएं और कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।